आप सभी दर्शकों को हमारी ओर से जोहार। तो आज हम फूलों और झानों के बारे में बात करेंगे और उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को जानेंगे। शायद आपको पहले से ही इन दो संथाल स्वतंत्रता सेनानी के बारे में थोड़ी बहुत बातें मालूम होंगी। तो चलिए जानते हैं इनके जीवन और संथाल हुल विद्रोह में इनके योगदान के बारे में। फूलों और झानू मुर्मू को अपने संथाल आदिवासी भाइयों के बीच वीर महिला क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने सन 1855 में संथाल विद्रोह को जन्म दिया, जो कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विद्रोह था, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधो, कानू, चांद और भैरव की तरह इन दोनों का जन्म भी भोगनाडी गाँव में ही हुआ था। कहा जाता है कि एक बार इस मुर्मू परिवार के सबसे बड़े भाई सीधो ने ईश्वर दर्शन का दावा किया, जिसने सीधो को बताया कि बड़े पैमाने पर विद्रोह से ही शोषण की आज़ादी संभव है। ये ईश्वर दर्शन या तो सीधो का भ्रम था या उसके दिमाग की एक उपज, जिससे कि वो आदिवासियों को एकजुट कर विद्रोह के लिए प्रोत्साहित कर सके। इस संथाल विद्रोह में बड़े पैमाने पर लोग सम्मिलित हुए और कहा जाता है कि इसमें 30,000 लोगों ने भाग लिया। फूलों और झानों ने महिलाओं को अपने झोपड़ियों से निकलकर इस विद्रोह में भागीदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया और सिर्फ औरतों को ही नहीं बल्कि मर्दों को भी एकत्रित किया। इन दोनों को देख काफ़ी लोगों को हिम्मत मिली और यह भी सोचने में मजबूर किया कि अगर ये दोनों अंग्रेजों के इतनी बड़ी सेना से टक्कर लेने का जज्बा रखती हैं तो वो भी अवश्य ये कर सकते हैं। और 30 जून के हुल आंदोलन में फूलों और झानों को संदेशवाहक का दर्जा दिया गया, क्योंकि इन दोनों की मौखिक वाणी में इतनी शक्ति थी कि लोगों को आसानी से यकीन दिलाने की क्षमता रखती थी कि अगर हम एक साथ हैं तो अंग्रेजी सेना भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और साथ ही फूलों झानों को संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई और कहते हैं कि सीधो की पत्नी सुमी ने भी इस विद्रोह में अपना साथ दिया। अंग्रेजी सत्ता और महाजनों के खिलाफ लोगों का खून खौलने लगा और विद्रोह की आग जल उठी। फूलों झानों ने बाकुडी, जो कि भोगनाडी गांव से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां हो रहे अंग्रेजों के द्वारा महिलाओं के शोषण और अत्याचार को कम करने में भी काफ़ी योगदान दिया। और एक रात तो इन दोनों ने 21 अंग्रेजों को साथ के साथ मौत के घाट उतार दिया और वहां पे अंग्रेजों के द्वारा अगवा की गई आदिवासी महिलाओं को भी छुड़ाया। कहा जाता है कि उस रात 21 अंग्रेजों को मारकर रात के अंधेरे में जब वो दोनों वापस अपने गांव भोगनाडी लौट रही थी, तभी एक व्यक्ति ने इन्हें देखा, पर रात के अंधेरे में केवल इतना ही देख सकी कि दो लड़कियाँ अपने हाथों में कुल्हाड़ियाँ पकड़े, जिसमें से खून की बूंदें टपक रही थी, लेकर जा रही हैं। इस भयावह दृश्य को देख वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उस व्यक्ति ने अगले दिन यह खबर पूरे गांव में फैला दिया। यह खबर अगले दिन जब गांव वालों को पता चला कि दो साहसी लड़कियों ने आकर एक ही रात में 21 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया, जहाँ आदिवासी महिलाओं का शोषण किया जाता था, तो एक संथाल बुजुर्ग ने बड़े गर्व से कहा, वाह कुड़ी, जिसका मतलब होता है वाह लड़कियाँ, और तभी से उस क्षेत्र का नाम बाकुडी रखा गया। और ये ऐतिहासिक घटना बांग्ला पुस्तक अरुणवाही में लिखित मिलता है। इस संथाल हुल विद्रोह में फूलों झानों ने बड़े साहस और जुनून के साथ अंग्रेजों, महाजनों, साहूकारों के खिलाफ इस बगावत में अपने पूरी जी जान से सीधो, कानू, चांद और भैरव के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी और अपना सहयोग दिया और जरूरत पड़ने पर तीर, धनुष, भाले, कुल्हाड़ी जैसे हथियारों को भी उठाया। आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी महिलाओं की भूमिका भी अहम रही, जिसे नकारा नहीं जा सकता। झारखंड के इतिहास में इन महिला क्रांतिकारियों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित और आज भी याद किया जाता है। इस संथाल हुल विद्रोह में एक ओर पारंपरिक हथियार थे तो दूसरी ओर अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजी सेना। अंततः भारी संख्या, लगभग 30,000 से भी अधिक संथाल लड़ाके मारे गए और यह हुल विद्रोह धीरे धीरे शांत हो गया। प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्स की किताब नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में 1855 में संथाल हुल को आम लोगों के नेतृत्व में लड़ा गया औपनिवेशिक भारत का पहला संगठित जनयुद्ध कहा गया। स्कॉटिश इतिहासकार विलियम्स विल्सन हंटर ने अपनी किताब एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल में उस समय कार्यरत एक ब्रिटिश अफसर मेजर जेविर्स के हवाले संथाल हुल के दौरान संथालों के कत्लेआम और उनके जज्बे के बारे में लिखा कि यह कोई युद्ध नहीं था, वह समर्पण करना जानते ही नहीं थे। जब तक नगाड़े बजते थे उनका पूरा समूह डटा रहता और मारे जाने के लिए तैयार रहता। उनके तीर ने प्रायः हमारे लोगों को मारा, इसलिए हमें तब तक फायर करना पड़ता था जब तक कि वे डटे रहते थे। इस युद्ध में शामिल ऐसा एक भी ब्रिटिश सिपाही नहीं था जो कि खुद पर शर्मिंदा नहीं था। 1856 ईस्वी में ही कलकत्ता से प्रकाशित कलकत्ता रिव्यू में संथाल हुल के महत्व को
व्यापकता से स्वीकारा गया।